राम राम सभी को। आज का व्लॉग मैं सुबह के 9 बजे से शुरू कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है मेरा ना। अभी ना मैं अपने रूम में आई थी अपने बालों में कंघी करने, मैंने हेयर वॉश की है ना, तो इसीलिए मैं कंघी करने आई थी और अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। मुझे लगता है अभी बहन जी फ्री नहीं हुए काम से, तो मैं आपको ना उनसे मिलवाती हूँ। मजी ना मुंगरे काट रहे हैं यहाँ पे। बहन जी ना पोछा लगा रहे हैं। बहन जी आप हुए नहीं फ्री? उसका भी ले जी है। अंदर ही लगाया था मैं। हाँ सुखी है रस पहले लगाया था। अब मुझे मत दिखाओगे तो भाई सो रही है आपके पास। वो वाला पोछा नहीं है, वो भाई पर वाला पोछा हाथ से क्यों लगा रहे हो? नहीं है तो अच्छा लगाना ठीक हो। हाँ एक्सरसाइज हो जाती है ऐसे। हाँ हाँ तो भाई कराड़ा अम्मा जी कोई तंदे अम्मा जी इन्हों नहीं है पता था फोन ना नहीं है पता इन्हों से क्या पता कोई तंदे तुम्हें लगा लो पोचा तो मैं स्टिचिंग करने बैठती हूँ तब तक। और ना आपने मेरी प्लाजो की पॉकेट भी लगानी है। तो YouTube फैमिली बहन जी आ गई पोछा लगा कर ना। और ना मैं अभी बहन जी को बोल रही हूँ कि मेरे प्लाजो की ना पॉकेट लगा दो, लेकिन बहन जी बोल रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ कि मैं आपका काम फ्री में नहीं करूँगी, मेरी भी एक कमीज़ की तरपाई है वो कर दो, मैं आपको मैं आपकी पॉकेट लगा देती हूँ तब तक, तो मैं कर जितनी होगी तरपाई मैं कर दूंगी तो ठीक है। और ना हम अपनी बहन से बात कर रहे हैं, दिखाओ हमारी बहन को। बहन नहीं दिख रही, बहन बहन ये रही ये बहन। हेलो बोलो बहन। हेलो। ये अपने ससुराल में है। चलो तो जल्दी से आपको लगा दो, फिर मैंने स्टिच भी करना है, तो आप भी फोन बंद करो ना। और मैं तब तक बहन जी के कुर्ते की ना तुरपाई कर लेती हूँ। और बहन जी इस तो प्रेस कितनी होनी चाहिए? ठीक है। यूट्यूब फैमिली मासी जी दुकान गए थे और वहाँ से मासी जी मेरे लिए हमारे लिए आप देख रहे हो हमारे लिए बर्गर लेके आए। और मैं आपको दिखाती हूँ बर्गर पहले, क्योंकि मासी जी बोल रहे थे ना कि कब से आप बोल रहे हो कि बर्गर खाना है बर्गर खाना है, इसलिए लेके आए मासी जी। और जब हम होली में गए थे होली के मेले में तब भी नहीं खा पाए थे, और उस दिन जब हमारे देवर जी आए थे वो भी नहीं लेके आए थे हमारे लिए, क्योंकि उन्हें भी नहीं मिला था। तो मेरा तो कब से मन कर रहा था बर्गर खाने का, इसलिए आ गया आज बर्गर। और मैं बहन जी को बोल रही हूँ कि मेरा ज़्यादा मन है बर्गर खाने का, तो अपना बर्गर भी मुझे आधा दे दो, आप आधा ही खाओ ले लेना तो आप। और एक बर्गर तीन बर्गर लेके आए मासी जी, और एक उसमें से एक बहन जी का है, एक मेरा है और एक अम्मा जी का है, क्योंकि अम्मा जी को भी ऐसी चीज़ें पसंद है बहुत चटपटी। ठीक बोल बने तो गाइस हम टेस्ट करके हम टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कैसा है बर्गर। ये दिखाओ भाई जी, ये दिखाओ बर्गर। अच्छा लग रहा है। शाम के 5:30 हो गए ना, और मैं ना स्टिचिंग करने बैठी थी। अपना सूट तो मैंने सिल लिया है, लेकिन ये सलवार है, मतलब पूरा सूट नहीं है ये सिलने के लिए, सिर्फ सलवार दी है सिलने के लिए ही की मैंने स्टिच ना। और अभी ना हमारे घर में मेहमान आए, मम्मी जी मासी जी वहाँ ऊपर है, मेहमान हमारे बुआ है ना, जो हमारे रियल बुआ है वो है ना, और एक बुआ भी है जो
जो हमारे माइक की साइड से है वो भी हमारे बुआ लगे वो भी है, वो ऊपर वाले फ्लोर में बैठे हैं। और बहन जी ने ना उन्हें पानी तो दे दिया ना, अभी शायद बहन जी चाय बना रहे हैं उनके लिए। और मैं भी उठ गई स्टिचिंग करने से ना, अभी खाना बनाना फिर ना लेट हो जाते हैं, और अभी ना गर्मी भी बहुत हो चुकी है, गर्मी भी हो चुकी है, और ना फिर मन नहीं करता रसोई में जाने का, गर्मी लगती है रसोई में। कुत्ता भी बोला है गाइस, मैंने इसे इतनी बार बोला है इस साइड आओ, पहले मैं बता देती हूँ गाइस को, गाइस मैंने इसे कई बार बोला कि हम 5:30 या 6 बजे ना कपड़े सिलना बंद कर दिया करेंगे, और 10-15 मिनट कपड़े सिलने के बाद थोड़ी रेस्ट करेंगे हवा में बाहर बैठ के। हाँ। कभी नहीं मानती इसने, 6:30 बजे बंद करना अपना कपड़े सिलने का काम, फिर उसके बाद लग जाना इसने खाना बनाने में, और फिर उसके बाद रात हो जाती है, फिर हमने बाहर का निकल गई चाय निकली। तो मैं बोल रही हूँ कि कभी भी अपने लिए भी थोड़ा सा 10-15 मिनट इंसान निकाल सकता है इतनी गर्मी में, क्यों पहले कपड़े सिलो फिर उसके बाद सीधे किचन में चले जाओ, फिर उसके बाद ब्लॉग एडिट करो खाना बनाना। तो वही बोल रही हूँ मैं तो अपने लिए निकाल लेती हूँ टाइम, पर ये नहीं तो चलो अब बाहर बैठेंगे। चलो नहीं, मैं कब से बोल रही हूँ आपको चाय, हम भी ना आपने बोला मेहमान कौन आए हैं। हाँ बता दिया मैंने, रख ली है मैं। और बहन जी आप मेरे लिए भी चाय बनाओगी, वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ और आप भी नहीं पीती। और ना हमें ना एक कप में चाय पीना अच्छा लगता है, क्योंकि हम चाय पीते नहीं है तो एक एक ऐसे ही, और फिर बातें करना साथ में। और ना जब हमारी मायके वाली मम्मी ना, वैसे हम चाय पीते नहीं है, आपने देखा होगा हम मायके में जाकर चाय जरूर पीते हैं 4 बजे अच्छा लगता है तो ना हम मम्मी बना शादी से पहले याद है आपको, हम ना स्टिचिंग करने बैठे रहते थे पूरा दिन ना, तो मम्मी आते थे 4 बजे ना, नहीं कि दोपहर को भी जूस लेके कुछ पी लो, लस्सी फ्रूट जूस कुछ भी लेके आ जाना मम्मी ने ना, और 4 बजे ना मम्मी को आदत है 4 बजे मम्मी चाय पीते हैं हमारे मायके वाले, तो ना उन्होंने ना हमें भी चाय लेकर आ जाना ना, फिर साथ में ना हम तो कम ही बोलते हैं लेकिन मम्मी की बातें सुनते रहना और साथ में चाय पीते रहना। चलो तो बाहर बैठते हैं थोड़ी देर, है ना मेहमानों के लिए चाय ले बनाओ तो और बैठ जाओ। बहन जी बैठ गई, बहन जी मैं बहन जी चखो जा गाइस, हम टेस्ट करने को बोलते हैं चखना, चखो तो आप चखो पहले, हंस मनी चखो, तभी नहीं पी रही थी मैं गर्म है। तो YouTube फैमिली हम बहन जी और मैं सोच रहे हैं ना कि चाय पीते पीते ना कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी करें, देखते हैं बहन जी को मिलते हैं कमेंट्स, मिल जाएंगे इस वीडियो वाले भी ठीक हैं। हाँ तो बोलो बहन जी, आप साड़ी नहीं पहनते, बोलो तो गाइस। हमने ना कभी भी साड़ी नहीं पहनी, लेकिन ना वो प्लान बताओ हमारा वो वाला, जब हमारे देवर जी की शादी होगी ना तब पहनेंगे हम। हाँ हमने कब से सोच के रखा है, जब हमारे देवर जी की शादी होगी ना कुछ भी तब हो जाए, हम साड़ी पहनेंगे और लहंगा भी लहंगा भी नहीं पहना हमने कभी, नहीं लहंगा पहना है कब बरसा, हाँ पहना है लहंगा पहना है, लेकिन उस टाइम हम ब्लॉग नहीं बनाते थे। नेक्स्ट बहन जी आप कब तक चूड़ा पहनते हैं बताना, बताओ आप, अपनी अपनी मर्जी है, कोई कोई लोग जो है वो 1 महीने के बाद ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे अपनी सरकार है। हाँ पहनते रहो जितना मर्जी, पर 3-4 साल मेरे ख्याल से 2-3 साल तो नॉर्मल है। हाँ लेकिन हमें ना बहुत अच्छा लगता है, हमें हमारा जब तक मन नहीं भरेगा ना हम तब तक चूड़ा पहनेंगे। नेक्स्ट दी आप बहुत आगे जाओगे, किसका कमेंट, सीएम श्रेया कुमारी, थैंक यू। किसने पूछा है कि धाम में सिर्फ चावल ही मिलते हैं रोटियां नहीं मिलती, तो हाँ बस चावल की धाम होती है, चावल और दाल, पर बीच बीच में अगर कोई खाना चाहे तो मांग सकते हैं, पर नहीं नहीं ऐसी रिवाज नहीं है बाई चांस, लेकिन ऐसा नहीं है धाम इसी को बोलते हैं हम जहाँ चावल बनते हैं, और हिमाचल में हर जगह ऐसा ही होता है, मुझे लगता कहीं रोटियां बनती है
चने और कुलचे तो बनते हैं बहन जी, तो उसको धाम नहीं बोलते, उसको धाम नहीं बोलते। लेकिन आप दोनों के बाल आपकी तरह बहुत सुंदर हैं। मतलब क्या आप रोज ऑयलिंग करते हो? रोज हम सिर्फ हफ्ते में दो बार करते हैं जब बाल धोने होते हैं। हाँ, वैसे हम तेल नहीं लगाते बालों में, इसलिए बुरी हालत हो गई हमारे बालों की। पहले शादी से पहले हम शादी से पहले क्या कॉलेज लगे जाने ना, तब फिर हमने ऑयलिंग करने छोड़ दी, क्योंकि डस्ट बैठती थी हमारे बालों पे ना, इसलिए हमने ऑयलिंग छोड़ दी थी। वैसे हम कॉलेज जाने से पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो रोज़ ऑयलिंग करते थे बालों में। नाइस लोग दीदी, आप अपने हेयर में कौन सा शैम्पू और ऑयल यूज़ करते हो बताना, वो अगले ब्लॉग में बताएंगे हम। हाँ, अलग से ब्लॉग बनाएंगे उसके ऊपर। जब आप फंक्शन में खाना खा रहे थे तो आपके पीछे पत्थर में खाना रखा था और वहाँ कोई बैठा भी नहीं था खाना खाने के लिए, फिर वो क्यों रखे थे? और शादी के बाद भी आपकी लड़ाई हुई है क्या? कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करना। हाँ, लड़ाई हुई है, बहुत बार होती रहती है, रोज़ होती है। कौन सा दिन है जब हमारी लड़ाई ना हुई हो? दिन में कई बार। हाँ, और पर शादी से पहले तो बहुत होती थी, अब कम हो गई है। और वो जो पत्थर पीछे हमारे पीछे रखे थे ना, वो घर ले जाने के लिए थे, उसे क्या बोलते हैं? फड़ाकू। हाँ, फड़ाकू, चुन्नी, चुन्नी को काट कर ना उसमें चावल ले जाते हैं घर के लिए, जैसे घर में कोई बुजुर्ग हो जो ना आया हो, हाँ, धाम खाने ना आया हो ना, उनके लिए ले जाते हैं वो। हम तो जो नज़दीक वाले हैं ना, वो तो थाली में भी लाते हैं चावल, लेकिन जो दूर वाले हैं ना, वो फड़ाकू में ही ले जाते हैं घर के लिए चावल। ख़त्म कर दी मैंने, चलो नेक्स्ट। बस, और ना बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि आप ना कितनी सिलाई लेते हो, सिंपल सूट की 200 और लाइनिंग वाले सूट की 250। और बस, और नहीं हरे कोई कमेंट याद है? बस काफ़ी है, कल बताएंगे अब और कमेंट पढ़ के आपको। अब ना 6:30 हो गए, हम खाना बनाते हैं अब। सब्जी बाहर ही लाओ, सब्जी बाहर काट लेते हैं। मैंने तो भिंडी बनानी है। आपने, अम्मा जी ने ना मूंगरे काट दिए थे सुबह, हमने अपने पिछले क्लिप में देखा होगा। आलू तो काटने पड़ेंगे। हाँ, आलू काटने हैं। चलो, और ना लोग अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं। दिखाऊँ बहन जी मैं इनको? नहीं दिखेंगी यहाँ से, दिख जाएंगी गाइस वहाँ पर। वो देखो है कौन, अभी चले वो घर है कौन, ये मुझे नहीं पता। पहचानो, आप पहचानो? पहचान में नहीं आ रहे, पता नहीं कौन है। अभी जा रहे हैं खेत। खेत नहीं जा रहे, खेत नहीं मतलब घर जा रहे हैं अभी। यूट्यूब फैमिली, रात के 8 बज गए और खाना पीना हो गया हमारा और किचन की सारी सफाई भी हो गई हमारी, और अब हम जा रहे हैं। नहीं, अब ही नहीं जा रहे हम, क्योंकि मम्मी जी, मासी जी और अम्मा जी बाहर ना गप्पे लड़ा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हम भी थोड़ी देर बैठ जाएंगे। तो यूट्यूब फैमिली, एंड करते हैं इस ब्लॉग का और हम भी बैठ लेते हैं थोड़ी देर बाहर, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए